हेलो गाइस, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टॉपिक स्टार्ट किया था। इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करेंगे। उस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और बैलेंस शीट हमने स्टार्ट की थी और बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था, और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो जाके वो वीडियो देखिए और फिर से यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ही और असेट साइड की। उसको समझने से पहले हम एक बार इसका फॉर्मेट आपको दिखा देती हूँ। ऊपर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और नीचे असेट्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ वील डिस्कस दी असेट साइड, एंड बिफोर दैट आई टेल यू वन थिंग कि आप जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, आपको एग्जैक्ट याद करना है इसी फॉर्मेट में, तो उसके लिए आई सजेस्ट कि आप इसको शॉर्ट ट्रिक से याद कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी इनके जो सब हेड्स होते हैं उनको लर्न करने में हमको दिक्कत होती है। मेजर जो हेड्स होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स फंड है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है, करेंट लाइबिलिटीज़ है, या आपका बीच में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, ये हमको फिर भी याद हो जाता है। बट जो इसके अंदर सब हेड्स होते हैं वो हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करने के लिए आई सजेस्ट कि आप इसको इनिशियल से याद कीजिएगा इनके। जैसे शेयर कैपिटल है यहाँ पे, तो शेयर कैपिटल एस से स्टार्ट होता है, तो एस, देन आर से रिजर्व एंड कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सॉरी, देन मनी पेंडिंग अगेंस्ट शेयर वॉरेंट के लिए एम, तो ये एस आर एम, देन एल डॉल, इनके इनिशियल्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, आप देख लीजिएगा। देन करंट लाइबिलिटीज़ में एस टॉस, ये वर्ड्स हमको थोड़ा सा ईजिली याद हो जाते हैं, तो आप इनिशियल से इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी कोई और शॉर्ट ट्रिक है तो आप वो भी डिस्कस मेरे को बता सकते हैं, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर इससे कोई बेटर ट्रिक है तो आप उससे याद कीजिए, बट आपको इसी फॉर्मेट में याद करना है, ठीक है। ऐसे ही आपका असेट साइड, फिक्स असेट्स के लिए एफ, देन एन डी एल ओ, एफ एन डी लो, देन करेंट असेट्स के लिए आप देखिए इनिशियल से सिट्सो, ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिएगा, इजीली याद हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो की हम बात करते हैं असेट साइड की। असेट्स सबको पता है क्या होते हैं, तो आई विल नॉट गो ऑन दैट, मैं आगे बात करूँगी। असेट साइड में दो मेजर हेड्स होते हैं, फर्स्ट नॉन करेंट असेट्स और सेकंड करेंट असेट्स। जस्ट लाइक नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट असेट्स वही होते हैं जो हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकल बेनिफिट देने वाले हों, जो 12 महीने से ज़्यादा टाइम में हमको एक्सपेक्टेड हों कि रियलाइज होंगे, उन कैश वैल्यू जो उसकी है वो हमको एक्सपेक्टेड हो कि 12 महीने से ज़्यादा में रियलाइज होंगे हमको, तो नॉन करेंट असेट्स में क्लासीफाई होते हैं, अदरवाइज वो फिर करंट असेट्स में क्लासिफाई होते हैं। नॉन करंट असेट्स में सबसे पहला हम हेड पढ़ेंगे फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स बेसिकली आर दोज असेट्स विच आर हेल्ड बाय अ कंपनी नॉट विद द पर्पस ऑफ सेल बट विद द पर्पस टू इंक्रीज अर्निंग्स ऑफ बिजनेस। क्या मतलब है इसका? फिक्स्ड असेट्स बेसिकली वो असेट्स होती हैं जो हम उन पर इस पर्पस से नहीं खरीदते कि हम उसको बेचेंगे और उससे कुछ कैश रिलाइज होगा, बट उसका पर्पस ये होता है कि हम उससे कुछ अर्निंग करें। दोनों में क्या फ़र्क है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्लांट एंड मशीनरी ली, इट इज़ अ फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। अब प्लांट एंड मशीनरी मैंने इस पर्पस से तो ली नहीं थी कि मैं उसे आगे बेच दूंगी, उसको यूज़ नहीं करूंगी, बल्कि उसको बेच दूंगी तो उस पर कुछ मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। बट मेरा पर्पस क्या था प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने का? कि उस प्लांट एंड मशीनरी को मैं यूज़ करके कुछ रॉ मटेरियल को प्रोसेस करूंगी, एंड उस जो रॉ मटेरियल प्रोसेस होके मेरा एक पर्टिकुलर गुड बनेगा, तो उसको मैं आगे फिर सेल करूंगी और उससे मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसके अंदर आपके चार मिनी हेड्स होते हैं, जिसे हम टिक्की बोल देते हैं इनिशियल, जिससे आपको याद रहे। टी से टेंजिबल, जिन्हें आप टच कर सकें। आई से इंटेंजिबल, जिन्हें आप ना टच कर पाएं बट इट इज़ गोइंग टू रियलाइज यू सम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, योर पेटेंट। आपने कोई एक
बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, कहीं अवेलेबल नहीं है वो प्रोडक्ट। उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो सिर्फ आपकी कंपनी प्रोड्यूस करती है। आपने क्या किया, उसका पेटेंट ले लिया, तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होगी। अगर आप ये चाहें तो इस पेटेंट को आप सेल कर सकते हैं, इट इज़ गोइंग टू रियलाइज यू सम वैल्यू, जस्ट लाइक गुडविल, इट इज़ एन इनटेंजिबल असेट, ठीक है। उस गुडविल आप पढ़ ही चुके होंगे कि भाई गुडविल आपको कुछ टाइम में आपकी, आप आपकी कंपनी सपोज मैकडोनल्ड है, तो उसकी एक अलग एक ब्रांड वैल्यू है, एक अपनी मार्केट में गुडविल है। अगर आप मैकडोनल्ड को सेल कर रहे हो और एक नॉर्मल किसी बर्गर कंपनी को सेल कर रहे हो, तो दोनों की वैल्यूएशन में डिफरेंस होगा, और वो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ योर गुडविल, ठीक है। तो वो उस टाइप के सारे असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स आप यहाँ डालेंगे। देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कोई ऐसी कैपिटल है जो अभी आपने इंस्टॉल नहीं किया कंपनी में और अभी इन प्रोसेस है, इन प्रोग्रेस है, तो वो आप यहाँ डालेंगे। ऐसे ही कोई इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट है, आप कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करवा रहे हो आपकी कंपनी, वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप उसे यहाँ डालोगे, उसके भी कुछ वैल्यू तो होगी, तो उसे आप यहाँ डाल दोगे, ठीक है। फिर हम बात करें सेकेंड सब हेड की, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर हेल्ड नॉट विद द पर्पज टू रीसेल बट टू रिटेन दैम। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट्स जिनको हमारा इंटेंशन रिटेन करने का है अपने पास, इमिडिएटली उसको बेच नहीं रहे हैं हम उन असेट्स को, बट हम उनको अपने पास रिटेन करें। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, या फिर मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट कर रखा है, या किसी दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, या फिर किसी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो सारी वैल्यू, वो सारी इन्वेस्टमेंट्स हमारी इस हेड में आएंगे, ठीक है। फिर बात करें डिफर्ड टैक्स एसेट की, इसकी मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइब्रेटी साइड में डिफर्ड टैक्स लाइब्रेटीज और डिफर्ड टैक्स असेट असेट साइड में, दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन योर फाइनेंशियल इनकम एंड इनकम कैलकुलेटेड थ्रू इनकम टैक्स रूल्स, तो उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है वो इन दोनों में से एक में आएगा। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज, जनरली वो नहीं पूछता है, तो आप इसे बट फॉर्मेट में पढ़ने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, रादर इस पर फोकस ना करें कि क्या होता है कैसे होता है, तो इट विल बी बेटर। नेक्स्ट हम बात करें लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब हमने ऊपर बात की थी इन्वेस्टमेंट की, हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे किसी कंपनी में की इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, बट यहाँ हम बात करें लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, हमने दूसरी कंपनी को लोन दे रखा है या किसी एक इंडिविजुअल को लोन दे रखा है, एडवांस दे रखा है, तो वो यहाँ पे आएंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट हम बात करें अदर नॉन करेंट असेट्स की, तो अदर में आपका जो भी लॉन्ग टर्म आपके जो असेट्स हैं, अगर वो किसी और हेड में नहीं आ रहे हैं तो वो अदर नॉन करेंट असेट्स में क्लासिफाई हो जाएंगे, वहाँ पे आप प्लेस कर दीजिएगा। जैसे कि मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, जनरली ट्रेड रिसीवेबल्स 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो जाते हैं, बट कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको स्पेसिफाइड होगा क्वेश्चन में, याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपको मेंशन करेगा कि ये लॉन्ग टर्म है, या ऐसे बोल देगा एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड आउटसाइड योर ऑपरेटिंग साइकिल, तो वो हम इसको अदर नॉन करेंट असेट्स में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड मेजर हेड की बात करें हम करेंट असेट्स की, इसमें सबसे पहले है करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, अगर वो इन्वेस्टमेंट 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद की हैं तो आप उन्हें नॉन करंट में डालेंगे, अदरवाइज उसको आप करंट इन्वेस्टमेंट्स में डाल देंगे, ठीक है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, इन्वेंट्रीज में आपका स्टॉक आएगा, स्टॉक आपका रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी हो सकता है, और फिनिश गुड्स का भी हो सकता है। रॉ मटेरियल मतलब जो हमने सपोज कुछ आप शुगर बना रहे हो, आपकी कंपनी शुगर बना रही है, ठीक है, तो आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा शुगर केन,
तो उसका रॉ मटेरियल, उसका स्टॉक यहाँ पे रॉ मटेरियल वाले में आ जाएगा। अगर कुछ शुगर केन अभी प्रोग्रेस में है और आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, तो वो वाला भी यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक में। और फाइनेंशियल जो फिनिश गुड्स हैं, जो आपकी शुगर बच गई होगी, आपने सेल नहीं की होगी, उसका स्टॉक पड़ा है, वो भी आपका इन्वेंट्रीज में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ट्रेड रिसीवेबल्स में बीआर, आपका बिल रिसीवेबल, और आपके डेटर्स दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो 12 महीने से लेस है, अगर मेंशन है ऑफ कोर्स तो देख लीजिएगा, अगर 12 महीने से ज़्यादा के हैं तो यहाँ, और कम के हैं तो यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका कैश एंड कैश इक्विलेंट्स। कैश तो हमको समझ में आ रहा है कि आपका जो भी कैश में अमाउंट पड़ा होगा, बैलेंस पड़ा होगा, क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन योर क्लोजिंग डेट, जनरली 31 मार्च, तो वो कैश में आ जाएगा। बट वॉट आर कैश इक्विलेंट्स? इक्विलेंट्स का मतलब होता है बराबर, यानी कि कैश के बराबर या कैश के जैसी जो भी आइटम्स हैं, जैसे बैंक बैलेंस या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 मार्क का या उसमें पूछ सकता है कि कैश इक्विलेंट्स में क्या क्या आता है। आपके वाइवा में भी आ सकती है ये चीज़ कि कैश इक्विलेंट्स में क्या होता है। तो बैंक बैलेंस आता है आपका, आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, कुछ लिक्विड सिक्योरिटीज़ होती हैं जो ऑलमोस्ट आप 1-2 दिन में ही कन्वर्ट करा सकते हो मार्केट में, तो वो सब भी कैश इक्विलेंट्स के ही बराबर होती हैं, क्योंकि आप उनको बहुत ही एज अ कैश काम कर रही हैं कि 1 दिन में कन्वर्ट हो गई, 2 दिन में कन्वर्ट हो गई, तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी कैश इक्विलेंट्स में आती हैं। देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ पे हमने बात की लॉन्ग टर्म की। यहाँ पे अगर लोन्स एंड एडवांसेस 12 महीने के अंदर सेटल हो रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें अदर करेंट असेट्स की। अदर करेंट असेट्स जो भी ऊपर करेंट असेट्स के बाकी सब हेड्स में नहीं आएगा, वो करेंट नॉन अदर करेंट असेट्स में हम क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज और कमिटमेंट्स। ये हमने अभी तक ना लाइबिलिटीज में पढ़ा ना असेट्स में, अब ये एक अलग टॉपिक है। आप कहोगे कंटिंजेंट, तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज तो लाइबिलिटीज में आने चाहिए? नो, रीज़न पहले हम मीनिंग समझते हैं कि कंटिंजेंट लाइबिलिटीज क्या होती है। और याद रखिएगा, ये ना तो असेट्स में आएंगी ना लाइबिलिटीज में आएंगी, ये दोनों चीज़ें आपकी नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाई जाती हैं सिर्फ। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले बात करें, वो लाइबिलिटीज़ जो अभी हम कंटिंजेंट मतलब फ्यूचर में वो इवेंट हो या ना हो, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, तो उसको हम वो वैसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनके लिए हम श्योर नहीं है कि हमको पे ऑफ करनी भी है या नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कंपनी रन कर रही हूँ, तो मेरा कोई क्लेम है, वो कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है। अब उसके अगेंस्ट हो सकता है मुझे 10 साल बाद, जब भी वो केस सेटल हो, 5 साल बाद, जब भी वो हमको रिजल्ट आए केस का, तो वो हमको पे ऑफ करनी पड़े, या हो सकता है ना करनी पड़े। अगर वो हमारे डिसीजन फेवर में हो जाए तो हम नहीं पे करेंगे, बट देयर आर चांसेस कि हमको पे भी करनी पड़ जाए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रोविजन बना के चलते हैं पहली, बट वो हम प्रोविजन जो है एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी के फॉर्म में, हम उनको बैलेंस शीट के मेन पार्ट में एज अ वैल्यू नहीं दिखाएंगे। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स, हम उसको एक डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमने इतना इतना अमाउंट का एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी बना रखी है। जैसे कि क्लेम्स अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज जस्ट, वही जैसे मैंने कोर्ट केस में कोई भी एक डेट की बात की कि हमने हमारे अगेंस्ट किसी ने क्लेम किया हुआ है बट अभी एक्नॉलेज नहीं हुआ है कि वो हमारा डेट है भी या नहीं। दूसरा, आपकी गारंटीज भी हो सकती हैं, कभी कभी कंपनीज दूसरी कंपनीज को या दूसरे इंडिविजुअल को, दूसरी सोल प्रोप्राइटरशिप को, किसी को भी गारंटी देती हैं, उसकी उनकी गारंटर बनती हैं। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर वो लोन लेने जा रहा है बैंक से, तो बैंक विल आस्क फॉर अ गारंटर। अगर हम वो गारंटर की का काम कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे कंटिंजेंट लाइबिलिटी में आएगा, क्योंकि अगर इन केस
दूसरे बंदे ने डिफॉल्ट किया और मैं गारंटर हूँ, तो आई हैव टू पे द अमाउंट टू द बैंक बिकॉज आई वॉज द गारंटर फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो वो भी आपका कंटिंजेंट लाइबिलिटी होगी। नेक्स्ट होता है कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी के ही फॉर्म है। बेसिकली कमिटमेंट्स मीन फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ड्यू टू एक्टिविटीज अग्रीड टू बाय द कंपनी टू बी अंडरटेकन बाय इट इन द फ्यूचर। ये भी हम मैं भाई इसका मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो इट वुड बी कि मैं कंपनी हूँ और मैं एक फाइनेंशियल कमिटमेंट ले रही हूँ कि इन इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए मैं मेरी कंपनी फ्यूचर में जाके कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी करेगी। तो अभी से मैं सिर्फ एक कमिटमेंट कर रही हूँ, कुछ ऑफिशियल नहीं है, कुछ मेरे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट आई एम जस्ट कमिटिंग टू समवन एल्स दैट आई विल अंडरटेक सम पर्टिकुलर एक्टिविटी इन द फ्यूचर विच वुड बी हैविंग सम वैल्यू। तो उसको मैं कमिटमेंट्स के अंदर क्लासिफाई करके इन दोनों को नोट्स टू अकाउंट्स में शो करूँगी। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट योर बैलेंस शीट जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की बात की थी। इस वीडियो में हमने असेट्स की बात की है। नाउ आपको मैं एक दो छोटे छोटे इलस्ट्रेशन दिखाऊंगी, फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वाले इलस्ट्रेशन देखिए, आपसे पूछ रहा है कौन सा हेड कहाँ जाएगा, सब हेड बताइए। बेसिकली पर्टिकुलर आइटम का सबसे पहले हम बात करें कैपिटल रिजर्व की, तो कैपिटल रिजर्व है, टाइप ऑफ रिजर्व है, तो आपका शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम इसको शो करेंगे। देन आता है बॉन्ड्स। अगर बॉन्ड्स के आगे कुछ नहीं लिखा, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, तो हम उसको लॉन्ग टर्म ही मानते हैं क्योंकि जनरली जो बॉन्ड्स में हम इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, ये भी याद रखेगा, अगर ये बॉन्ड्स लिखा है तो हम इसको इन्वेस्ट नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि हमने ये बॉन्ड्स ले रखे हैं, मतलब हमने जो मनी बोरो किया है वो बॉन्ड्स की फॉर्म में बोरो किया हुआ है, बॉन्ड्स हमने इशू किए हैं, बॉन्ड्स में हमने इन्वेस्ट नहीं किया है, ये नहीं मानेंगे। तो जो बॉन्ड्स क्या, और अगर ये भी नहीं लिखा है कि वो लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म, तो हम यही मानेंगे कि वो हमने लॉन्ग टर्म ही बोरो किए हुए हैं क्योंकि बॉन्ड्स में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं यानी दूसरा पर्सन इन्वेस्ट कर रहा होगा, मैं बोरो कर रही होंगी, तो वो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए ही इशू किए जाते हैं। ठीक है, देन लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब है कि जब आप डिमांड करोगे हमको तब पे करना पड़ेगा। अब वो तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म ही होगा, तो इट विल बी क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। देन व्हीकल्स, दीज आर फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स के अंदर कहाँ आएंगे, टैंजिबल असेट्स में, क्योंकि हम इन्हें टच कर सकते हैं, राइट। देन गुडविल, अब इसे हम टच नहीं कर सकते हैं, इट इज़ अ फिक्स असेट बट इनटैंजिबल असेट। नेक्स्ट लूज टूल्स। हाँ, मैंने इन्वेंट्रीज में आपको रॉ मटेरियल वगैरह का भी बताया था, तो जो आपके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो लूज टूल्स होते हैं जैसे नट बोल्ट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो लूज टूल्स वगैरह में आती हैं, तो वो भी आपकी इन्वेंट्री का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है। इसमें देखिए ट्रेडमार्क्स, जैसे गुडविल है वैसे ट्रेडमार्क्स होते हैं, आपका इनटैंजिबल असेट है, तो मेजर हेडिंग क्या है, नॉन करेंट असेट, और उसके अंदर मैं अगर देखूं तो इनटैंजिबल असेट में आएंगे फिक्स्ड असेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, टाइप ऑफ रिजर्व, तो करंट लाइबिलिटीज मेजर हेडिंग्स है और उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में शेयर होल्डर फंड के अंदर आएगा। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब हमने कोई पर्टिकुलर इनकम रिसीव कर लिया एडवांस में, तो ये हमारी करंट लाइबिलिटीज में क्लासिफाई होगा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर। नेक्स्ट स्टोर्स एंड स्पेयर, जैसे मैंने कहा स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं वो आपके कहाँ आते हैं, इन्वेंट्रीज का ही पार्ट होते हैं, तो करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज के अंदर आ जाएंगे। फिफ्थ है ऑफिस इक्विपमेंट्स। जो ऑफिस इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो आपके इट्स योर फिक्स असेट्स, तो नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट के अंदर आप क्लासिफाई कर देंगे। करंट इन्वेस्टमेंट्स,
जैसे ये तो आपका मेजर ही है, करंट एसेट्स मैं आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स में क्लासिफाई हो जाएंगे। अब ये हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन है, इसको हम फुल फ्लेज देखेंगे। हमको बोला है पूरी बैलेंस शीट बनानी है एज पर स्केड्यूल थर्ड पार्ट वन ऑफ दी कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, बैलेंस शीट देखिए, इसमें आपको ऊपर हेडिंग वगैरह नहीं लिखी हुई है, बट यू हैव टू राइट दी कि भाई आप किसकी बना रहे हो। जैसे आपको क्वेश्चन में क्या बना है, रामा लिमिटेड की, तो आप सबसे पहले लिखोगे रामा लिमिटेड। दीज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इनके भी मार्क्स होते हैं और आपको पता नहीं चाहिए, पर्टिकुलर वे में ही बनाई जाती है ये। तो रामा लिमिटेड एज ऑन जो भी डेट है 31 मार्च 2015 के अकॉर्डिंग बना रहे हैं बैलेंस शीट, ऐसे आप ऊपर लिखोगे। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हमको गिवन है इक्विटी शेयर एंड कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ₹10 ईच के, तो टोटल वैल्यू है 10 लाख की। तो सबसे पहले लिखा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स में सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में देखिए आप ऐसे डालेंगे नोट नंबर, क्योंकि नोट्स टोकन मैंने अभी इसकी अमाउंट नहीं लिखी है फाइनल। राइट साइड पे नोट नंबर बनता है, उसके बाद अमाउंट कॉलम आता है, तो अमाउंट कॉलम में इनकी फाइनल अमाउंट आ जाएगी जो मैं अभी आपको नोट्स अकाउंट्स में दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम नोट्स अकाउंट्स देखते हैं। देखिए इसको भी बनाने का तरीका है, सबसे पहले शेयर कैपिटल का 1 नंबर डाला नोट्स टू अकाउंट्स के लिए। शेयर कैपिटल सबसे पहले लिखी, ऑथराइज कैपिटल हमको गिवन नहीं है तो आप ब्लैंक डाल दीजिए, बट एक फॉर्मेट देख लीजिए, ऐसे ही लिखेंगे आप। देन उसके बाद इशूड कैपिटल, ये भी हमको पता नहीं, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। देन जो हमको कैपिटल ऊपर गिवन थी कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 के, तो वो आपकी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है, क्योंकि कोई इन्फो नहीं गिवन कि भाई इतना कॉल सीनरियल है एंड ऑल। अगर वो हो तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके फाइनल अमाउंट बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट बाहर 10 लाख आ गई। ये 10 लाख आप ऊपर बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंदर लिख देंगे, फर्स्ट शेयर कैपिटल पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन था क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 लाख रुपीज़। ये आपका टाइप ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस है, तो इसे आप नोट्स टू अकाउंट में पहले दिखाइएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऊपर क्वेश्चन में, देखिए और क्या गिवन है आपको। 12% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आप नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाई देंगे। ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर्स 4 लाख रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स 2 लाख रुपीज़। क्रेडिटर्स को दिखाया हमने, शॉर्ट टर्म आपकी वो है ट्रेड पेबल्स के अंदर आएगा क्रेडिटर्स 2 लाख रुपीज़। और क्या गिवन है, प्रपोज डिविडेंड। अब प्रपोज डिविडेंड मैंने आपको बताया था क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड इज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्योंकि आपको अगले साल पे करना पड़ेगा विद इन 6 समथिंग मंथ्स, जब आपकी मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, AGM होती है कंपनी की, तो डिविडेंड रखा जाता है। और डिविडेंड अगर कुछ पे करना होता है तो हम उसको उस टाइम पे करते हैं, तो इसलिए वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट होता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाला 50,000 रुपीज़। नेक्स्ट है आपके पास सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट 50,000। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये डेबिट बैलेंस गिवन है आपको। डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस है, क्योंकि सरप्लस यानी कि प्रॉफिट जो बचा है आपके पास उसका नेगेटिव बैलेंस है। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, जो हमने यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का हेड बनाया था, हमारे पास SPR था 2 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास 50,000 हो गया नेगेटिव बैलेंस 50,000, और 2 लाख माइनस 50,000 आपको जो फाइनल रिजर्व एंड सरप्लस बनेगा वो होगा 1,50,000।
ठीक है, इसको आप ऐसे नेगेटिव बैलेंस की तरह दिखाएंगे। अगर कुछ नहीं होता तो भी आप नेगेटिव बैलेंस ही दिखाते, ऐसा नहीं है कि हमारे पास अमाउंट अवेलेबल था तो हमने लेस किया है। अगर नेगेटिव बैलेंस है तो आप उसको बैलेंस शीट में भी नेगेटिव बैलेंस की ही फॉर्म में दिखाएंगे। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख, ये आपका फिक्स्ड असेट्स में आ जाएगा, नॉन करेंट असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग। देन है आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपका हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है यानी कि हमने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। अब आप कहेंगे सिंपल बॉन्ड्स थे तो हमने माना कि वो लॉन्ग टर्म उसमें है, बोरिंग्स है। भाई गवर्नमेंट तो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेगी नहीं, हम एक प्राइवेट फॉर्म है, वी आर अज्यूमिंग, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, तो दीज आर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज। देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बिल्डिंग, ये आपका नॉन करेंट असेट्स में आ जाएगा, कैपिटल जो आपकी प्रोग्रेस में है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस उसका पार्ट हो जाएगा, 3,50,000। देन कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाएगा आपका करंट असेट्स के अंदर, 50,000। नेक्स्ट नीचे लिखा है डिबेंचर्स इशूड ऑन 1 अप्रैल 2013 रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, दैट इज़ ऑन 31 मार्च 2018 को रिडीमेबल हैं वो, तो बस कुछ नहीं, यानी कि वो आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट में, तो हमने वो वैसे ही लिख लिए थे, बट यहाँ पे स्पेशली मेंशन है। तो ये हमारे नोट्स टू अकाउंट्स बन गया। अब जैसे मैंने बताया था कंटिजेंसी कोई लायबिलिटी है या कमिटमेंट है, वो भी आप यहीं पे दिखाओगे अगर क्वेश्चन में गिवन होता, बट उसकी जो अमाउंट होती है या उसका जो मेंशन डिटेल होती वो आपकी फिर बैलेंस शीट में ऊपर नहीं जाती। अब जो भी आपके हेड्स हैं इनको आप रिस्पेक्टिवली आप बैलेंस शीट में प्लेस करेंगे इन हेड्स के अंदर। अमाउंट आप नीचे से देख लीजिएगा, एक सबसे पहले शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट आ जाएगी, नोट्स टू अकाउंट 1 एंड 2 साथ में डालते रहिएगा, आपको मैं समझाने के लिए अब अलग से बता रही हूँ। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी हमारे पास, फिर करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल से शॉर्ट टर्म प्रोविजन था, इनके रिस्पेक्टिव हमने नोट्स टू अकाउंट नोट्स नंबर लिखे, और फिर असेट्स में नॉन करंट असेट्स, टैंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो जो आपका टोटल है असेट साइड का और जो टोटल है इक्विटी लाइबिलिटीज साइड का वो मैच कर जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं विद दिस क्वेश्चन। आपका कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ये PDF मैं उस ग्रुप में शेयर कर दूँगी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो। अगर कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर आप वो भी पोस्ट कर सकते हैं, आई ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।